तो पहला क्वेश्चन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, कौन कौन से, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अगला है, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो ऑप्शन सी मैं। नेक्स्ट है, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन ए अधिकरण कारक। अगला, इनमें तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी पुष्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इनमें शुद्ध शब्द है तो निरपराधी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो ऑप्शन सी निकृष्ट। अगला, इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी किसी भी आदमी को भेज दो, सी आपका हो जाएगा आंसर। अगला, इनमें जल का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन डी उपयोग में से एक से अधिक, पानी और जीवन। अगला, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, झमेले में पढ़ना। अब देखिए गद्यांश है, अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 19 से 24 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन है आपका, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता है, ऑप्शन सी दिली दोस्त होने के कारण। रतन कैसा छात्र था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। रतन और अजय आपस में क्या थे, ऑप्शन बी दिली दोस्त। सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे, तो देखिए ना ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था, तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 25 से 30 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए, तो पैराग्राफ आप देख सकते हैं। पैराग्राफ क्या है, शिवाजी भारत के महान वीरों में से एक थे, उनका उद्देश्य महाराणा प्रताप के उद्देश्य से भी उच्च था, वे अपने कार्यों में सफल रहे, वे केवल वीर ही नहीं बल्कि एक अच्छे राजनीतिक भी थे, उन्होंने लोगों में एक राष्ट्र की भावना भर दी और मराठा राज्य की स्थापना की, वे कट्टर हिंदू थे तो भी दूसरे धर्म और संस्कृति का आदर करते थे, उनके अच्छे गुणों के कारण सभी लोग उनका आदर करते थे, हम लोगों को उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। क्वेश्चन का, शिवाजी वीर होने के साथ साथ क्या थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। शिवाजी ने लोगों को कैसी भावना भर दी, एक राष्ट्र की भावना भर दी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे, ऑप्शन ए उनके अच्छे गुणों के कारण करते थे। इनमें राजनीतिक शब्द का अर्थ है, ऑप्शन बी वह नीति जिससे शासन का संचालन होता है। अगला, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है, ऑप्शन सी शिवाजी की राष्ट्रीय चेतना। अब देखिए पार्ट 3 है हिंदी, गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है, तो ऑप्शन बी देशों की दूरियां कम हुई। अगला, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा, ऑप्शन बी अपनी शुभ बुद्धि से। अगला, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है, ऑप्शन ए शिक्षा का व्यापक प्रसार। अगला देख लेते हैं, किस कारण से मानव के बीच घृणा ईर्ष्या वैमनस्यता एवं कटुता में कमी आई है, तो ऑप्शन बी वर्ण भेद के कारण। अगला है, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ, ऑप्शन सी धर्म के कारण हुआ। अब देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं पूरा। क्वेश्चन है,
जीवन में समय का महत्व क्यों है? तो ऑप्शन ए, समय पर किया गया काम सफल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन बी, पिनाक। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है? ऑप्शन ए, यह मेरा घर है और भैया है मेरे मित्र का। गुण संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, सुरेंद्र। अगला, यशोदा का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? ऑप्शन बी, यशाधन दा। अगला, वह व्यक्ति जो कल आया था यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी, मिश्रित वाक्य। अगला देख लेते हैं, शुक्ल का विलोम होगा तो ऑप्शन ए, कृष्ण। बहिरंग का विलोम शब्द? ऑप्शन बी, अंतरंग। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब पिक और सुरभि। अगला, अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो ऑप्शन बी, दुराग्रह। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो ऑप्शन ए और सी, मैथिली सरण तो सही है, वाल्मीकि भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका हो सकता है ये वाला। अगला, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो ज्योत्सना को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें तो ऑप्शन बी, राइट आंसर, अभी 4 बजा है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी, अत्यधिक प्रतीक्षा करना। आधा तीतर आधा बटे लोकोक्ति का अर्थ है तो ऑप्शन सी, मिलावटी माल। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी, यण संधि। अगला है, कीर्ति लता के रचनाकार हैं तो विद्यापति आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन है 84। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी, चंद वरदाई। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन बी, 9। अगला है, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि फसल को लाभ ना हो। ऑप्शन बी, खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बनता है? ऑप्शन बी, समय पर खेत की रखवाली नहीं करने पर। गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? ऑप्शन सी, समय का सदुपयोग। अगला है, चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा, इस पंत पदबंध का प्रकार होगा? ऑप्शन सी, क्रिया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, पूरा का पूरा आपका है पैराग्राफ, पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन क्या है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो ऑप्शन है, आनंद की खोज में। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? तो ऑप्शन बी, सुंदर और सत्य को पाना। परिमिति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, सीमित। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, साहित्य का आधार जीवन है। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन बी, विशेषण। फिर गद्यांश से आप पढ़कर उत्तर को देना है, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है? तो ऑप्शन है, छात्रावस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छात्रावस्था की तुलना की गई है अविकसित वृक्ष से सफ़ेद चादर से, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? तो ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन के लिए। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी, महत्व। प्रस्तुत गद्यांश के लिए प्रयुक्त शीर्षक क्या है? विद्यार्थी जीवन। अगला है, बतरस लालय लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी, बिहारी। परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखककार हैं, लेखक कौन है? श्री लाला श्रीनिवास दास। भारत भारती किस कवि की रचना है? मैथिली सरण, गुप्त। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन बी, प्रेमचंद। छायावाद का समय प्रातः माना गया है, प्राय माना जाता है? ऑप्शन बी, 1918 से 1936 ईस्वी।
अगला है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कामायनी किस विधा की रचना है? काव्य। तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं अज्ञेय। तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं पणीसर नाथ रेणु। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी सुंदरता। निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी 6। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है तो ऑप्शन सी प्रकृति। अगला देख लेते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है? ऑप्शन ए अपादान। निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? वर्षा और जंतर, मतलब ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? सूत और सत्य, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन करें, तो ऑप्शन ए वन गमन। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी उपन्यास। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। शीरीष के फूल की रचना है? तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी फणीसरनाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए हार की जीत। बादल राग कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कफन कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। जहां कोई वापसी नहीं के लेखक हैं? निर्मल वर्मा। प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक हैं? केदारनाथ सिंह। अगला है, संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गुरु नानक। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन बी 7 कांड आपके हो जाएंगे। भक्तमाल के रचनाकार? ऑप्शन ए नाभादास। अगला देख लेते हैं, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी रहीम। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास। ऑप्शन सी रीतिकाल के कवि हैं? ऑप्शन ए बिहारी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए भूषण, या आपका ऑप्शन ई हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।